हेलो एस्पिरेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फेब मंथ 2024 विजन आईएएस मैगजीन का पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट 1.4 तक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 1.5 विच इज द क्रिमिनल डेफिमेशन, क्या होता है, क्यों न्यूज में था, वो सब कुछ हमें आज की वीडियो में कवर करना है। फर्स्टली क्यों न्यूज में था, व्हाई इन द न्यूज। तो देखिए, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट नंबर 285 किसकी, लॉ कमीशन की, जिस रिपोर्ट का टाइटल है द लॉ ऑफ क्रिमिनल डेफिमेशन। तो इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि ये जो ऑफेंस होता है क्रिमिनल डेफिमेशन का, अब ये टर्म क्या है ना, वो हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ये देखिए कि न्यूज में क्यों था। तो इस रिपोर्ट के अंडर जो ऑफेंस है क्रिमिनल डेफिमेशन का, इसे रिटेन करना चाहिए न्यू क्रिमिनल लॉ में। न्यू क्रिमिनल लॉ जो आए हैं उसमें इस ऑफेंस को नहीं इंक्लूड किया गया, इसे करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की। अब ठीक है, क्यों न्यूज में था हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा क्रिमिनल डेफिमेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जो ये लॉयर्स हैं या जो लॉ की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट रेफरेंस डिक्शनरी होती है ये, ठीक है। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से डेफिमेशन का मतलब होता है द ऑफेंस ऑफ इंजरिंग अ पर्सन्स करेक्टर, फेम और रेपुटेशन बाय फॉल्स एंड मेलिशियस स्टेटमेंट्स। गलत स्टेटमेंट्स के थ्रू, मेलिशियस स्टेटमेंट्स के थ्रू, अगर आप किसी भी पर्सन के करेक्टर, उसका नाम, उसकी रेपुटेशन खराब करते हैं तो वो एक ऑफेंस है और उसे हम डेफेमेशन कहते हैं, ठीक है। फेम, डिफेम, आप समझ सकते हैं, फेम पाने के लिए, अरे वो फिल्म इंडस्ट्री में गया है, मतलब नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए। डिफेम माने उसकी बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है ना, वैसे करके आप देख सकते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन के करेक्टर, फेम या रेपुटेशन पे फॉल्स या मेलिशियस स्टेटमेंट्स के थ्रू उस पर इल्जाम लगाया जाए तो उसे हम बोलते हैं डेफिमेशन एज पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। अब देखिए, जो डेफिमेशन है इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में, एक होता है आपका रिटन, एक होता है ओरल। आप लिख के भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में किसी को डिफेम कर सकते हो, आप बोल के मुंह से चार लोगों में बैठ के बातें करके भी किसी को डिफेम कर सकते हो। तो ये जो रिटन होता है इसे बोलते हैं लाइबल, और जो ओरल फॉर्म ऑफ डेफेमेशन होता है इसे बोलते हैं स्लैंडर। वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन की है, दैट लाइबल इज एन अनट्रू डेफेमेटरी स्टेटमेंट दैट इज मेड इन राइटिंग। लिख के अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो गया लाइबल, अगर आप बोल के किसी को डिफेम कर रहे हो गया स्लैंडर, ठीक है ना। नाउ इंडियन लॉ के हिसाब से जो लाइबल और स्लैंडर, यानी ओरली एंड रिटन फॉर्म में डिफेम करना, ये दोनों ही जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं इंडियन लॉ के हिसाब से, ठीक है। एंड सच स्टेटमेंट्स आर टू बी मेड इन पब्लिक टू कॉन्स्टिट्यूट डेफिमेशन। एंड यस, ये जो रिटन फॉर्म में या जो बोल के ओरली अगर किसी को डिफेम पब्लिक में किया जा रहा है ना, तो तभी वो डेफिमेशन है, अदरवाइज नहीं, इंडियन लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब कुछ और चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 499 क्या बोलता है। तो ये चीज देखिए, अगर ऐसा कोई आपको आंसर राइटिंग में या मेंस में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जरूरी नहीं इससे अगर कोई ऐसी चीज जिसमें डिफेम होने की बात की जा रही है तो वहां पर आप इन दो चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 499 क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये अनलॉफुल है, ठीक है, गलत है, अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन के बारे में फैला रहे हो, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो, ठीक है, और इसके अंडर आपको 2 सालों की मैक्सिमम सजा भी हो सकती है, 2 सालों के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। हाउएवर जो सेक्शन 354 क्लॉज 2 जो है 2023 भारतीय न्याय संहिता एक्ट का क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को डिफेम कर रहा है, या तो उसे सिंपल सजा होगी, सिंपल जेल होगी जो कि मैक्सिमम 2 सालों के लिए हो सकती है, या फिर उसे फाइन भी देना पड़ सकता है, या हो सकता है उसे सजा भी हो और फाइन भी देना पड़े, और हो सकता है उसे कम्युनिटी सर्विस करनी पड़े। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, कुछ सोसाइटी के लिए काम करना पड़ जाए, ठीक है ना, जैसे कि लंगर लगता है या कहीं भी भंडारा होता है, तो वहां पे वैसे तो वर्कर्स होते हैं लेकिन कुछ लोग खुद से भी सेवा करने आते हैं, है ना, कि चलो सबको पानी बांट दिया, तो इतने, अगर आपने देखा होगा भंडारा किस तरह से होता है बैठ के, है ना, तो वहां पे थोड़ा काम कर दिया, थोड़ा खाने में, थोड़ा खाना बनाने में हेल्प कर दी, तो इस तरह से कम्युनिटी सर्विस, या किसी, अगर यहाँ पे बात करें किसी अनाथ आश्रम में गए, वहां पे जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ा दिया है। तो जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ जो जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हैं अभी, है ना। तो कम्युनिटी सर्विस बहुत इलेबोरेटिव वर्ड है खुद में,
जैसे हम क्रिमिनल डेफिमेशन को पढ़ रहे हैं ना इलेबोरेटिव वे में, वैसे कम्युनिटी सर्विस भी अपने में। लेकिन कोई भी ऐसी चीज डिफेम होने से रिलेटेड आती है तो आईपीसी का सेक्शन 499 एंड 2023 का भारतीय न्याय संहिता एक्ट का सेक्शन 354 क्लॉज 2 क्या बोलता है ये आप लिख सकते हो। दोनों सेम सेम ही है, इसमें 2 साल तक की सजा है मैक्सिमम, इसमें 2 साल की सजा के साथ फाइन भी हो सकता है, दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, अगर हम देखें थोड़ा सा इन डिटेल इसको क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं, दैट जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, जो हम एपेक्स बॉडी बोलते हैं जुडिशियल सिस्टम की हमारी, तो उन्होंने सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 में अपहेल्ड किया क्रिमिनल डेफिमेशन को, मतलब वैलिडेट किया कि हाँ क्रिमिनल डेफिमेशन नाम की भी कोई चीज होती है ना, इस चीज को वैलिडेट किया और कहा कि बैलेंस आपको मेंटेन रखना है फ्री स्पीच एंड राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन में। अब देखिए अभी तक तो क्रिमिनल डेफिमेशन चल रहा था, क्या क्या सजा हो सकती है वो हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज, अलग से चीज सामने आती है, एक नई चीज सामने आती है इस टॉपिक के अंदर कि ठीक है वैलिडेट किया क्रिमिनल डेफिमेशन को, लेकिन ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर एक इंसान को ध्यान रखना है कि यस आपके पास राइट टू स्पीच है, फ्री स्पीच है, आप जो चाहें आपके जो व्यूज हैं ओपिनियंस हैं वो दूसरों के सामने रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन को आप खारिज कर दोगे, कि अगर आप किसी और की बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन को इंजर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन अलग चीज है, फ्री स्पीच का जो राइट है आपके पास वो अलग चीज है। फ्री स्पीच को यूज करके कि अरे मेरे पास तो अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का पूरा फंडामेंटल राइट है ना, इस चीज को यूज करके आप किसी और की रेपुटेशन खराब कर रहे हो तो आप राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन को वायलेट कर रहे हो उस केस में, ठीक है। तो बैलेंस होना चाहिए राइट टू फ्री स्पीच एंड राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद लॉ कमीशन ने एक और चीज हाईलाइट की कि रेपुटेशन जो है एक इंपॉर्टेंट फेसेट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आप देखिए, यस आई नो हमने पॉलिटी काफी टाइम से नहीं पढ़ा है तो आर्टिकल थोड़ा सा आप भूल गए होंगे, एक बार रिवाइज कीजिएगा जरूर। तो आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, एग्जैक्टली मैंने भी काफी टाइम से खुद से रिवाइज नहीं किया है, बट ये पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, राइट टू हेल्थ, प्राइवेसी, सैनिटेशन वगैरह। नाउ यहाँ पे लॉ कमीशन बोलता है कि रेपुटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैसेट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या बोलता है, विच कैन नॉट बी अलाउड टू बी जियोपार्टाइज्ड जस्ट बिकॉज एन इंडिविजुअल हैज टू एंजॉय हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एट द एक्सपेंस ऑफ हर्टिंग द सेंटीमेंट ऑफ अनदर। इसका मतलब है कि रेपुटेशन एक इंपॉर्टेंट फैसेट है आर्टिकल 21 का और इसके साथ हम गलत नहीं होने दे सकते सिर्फ इसलिए कि किसी पर्सन को अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंजॉय करना है ना, अपना फ्री स्पीच का राइट एंजॉय करना है, तो वो दूसरे की बेइज्जती करते उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, ये चीज नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बोलता है, बताता है ग्राउंड्स, ये ग्राउंड्स बताता है ऑन विच रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज वन ऑफ विच इज डेफिमेशन। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बोलता है कि ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय नहीं कर सकते हो। हर एक आर्टिकल में एक्सेप्शन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ये सारे हमने आर्टिकल्स बड़े अच्छे से पढ़े। नाउ जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसको किस किस केस में आप यूज नहीं कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में बताया गया है। और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, डेफिमेशन, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आता है कि डेटा रिसेंटली यूनेस्को ने पब्लिश किया था। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने जो डेटा पब्लिश किया था उसके हिसाब से 160 कंट्रीज जो दुनिया में है उन्होंने क्रिमिनलाइज किया है डेफिमेशन को, मतलब ये जो डिफेम करना है ना किसी को, ये क्रिमिनल चीज है ना, मतलब क्रिमिनल लॉ के अंडर आती है, गलत चीज है, ये इसका मतलब है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, अच्छा स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, जब भी पार्लियामेंट में एक्ट पास करने के बाद कोई बॉडी बनती है तो तब हम उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करने के बाद ये नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, सब कुछ मैंने आपको पॉलिटी वन लाइनर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन आया था चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, और लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले पहले लॉ मेंबर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, पहला लॉ कमीशन आया 1955 में, एक नोटिफिकेशन आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके अंदर ये जारी किया गया। 22 लॉ कमीशन हो चुके हैं अभी तक, 3 साल का टर्म रहता था।
मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या है कि रिसर्च करना कि जो लॉ वाला हमारा फील्ड है ना, उससे रिलेटेड इन डेप्थ रिसर्च करना, ठीक है, और गवर्नमेंट को रिपोर्ट टाइम टू टाइम जो है वो सबमिट करना। अदर की फीचर्स क्या है? नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस देती हैं। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। अब लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो रिकमेंडेशंस होती हैं, गवर्नमेंट के लिए जरूरी नहीं होता है कि उन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाए, ठीक है। तो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि गवर्नमेंट को फॉलो करना ही करना है, बट लॉ कमीशन अपने हिसाब से क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए वो एक रिपोर्ट बना के देता है। अभी तक 277 रिपोर्ट्स टिल जैन 2024 जो है वो लॉ कमीशन की आ चुकी हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हर एक चीज़ के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी चीज़ आती है तो उसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिटेनिंग द लॉ ऑफ क्रिमिनल डेफिमेशन। अच्छा, ये क्रिमिनल डेफिमेशन न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसने रिकमेंड किया था कि जो ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल डेफिमेशन है इसे न्यू क्रिमिनल लॉ में रिटेन करना चाहिए, मतलब न्यू क्रिमिनल लॉ में ये होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल डेफिमेशन? स्ट्रॉन्गर डेटरेंट। अच्छा, अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना, अगर ऑफेंस है क्रिमिनल डेफिमेशन, तो उस केस में इंसान कुछ भी बोलने से पहले, किसी दूसरे आदमी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मॉनेटरी डैमेजेस हो सकते हैं। अगर मैं किसी और पर्सन के बारे में गलत चीज़ बोल रही हूँ, उसके रेपुटेशन को हार्म कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझ पर फाइन लग सकता है। फाइन कहाँ से दूंगी जब नौकरी नहीं है? फाइन कहाँ से दूंगी जब घर के खर्चे पूरे नहीं होते? फाइन कहाँ से दूंगी जब रगड़ घसीट के गाड़ी चल रही है ना? क्योंकि आपने देखा बेरोजगारी क्या किस लेवल तक पहुंच चुकी है, और अगर जो लोग रोजगार है भी जिनके पास, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, है ना। चलिए जो भी है, मॉनेटरी डैमेजेस हो सकते हैं, कोई भी अपना पैसा ऐसा फालतू उड़ाना नहीं चाहता, है ना। आपको क्रिमिनल पनिशमेंट हो सकती है, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना पड़ सकता है, तो इन सब चीजों से अच्छा है कि किसी के बारे में कुछ ना बोलो। तो अगर ये ऑफेंस क्लियर कर दिया जाए एक न्यू क्रिमिनल लॉ के अंडर, तो एक रोक लगा सकता है गलत चीजों को। पब्लिक इंटरेस्ट इन प्रोटेक्शन रेपुटेशन। अच्छा, जो आम आदमी है उनकी रेपुटेशन को बचाने में हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, है ना। तो अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया, वो बेचारे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो एक तरह से अगर क्रिमिनल डेफिमेशन एक ऑफेंस होगा न्यू क्रिमिनल लॉ के अंडर, तो उन वल्नरेबल सेक्शन को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये जस्ट आपने कहानी फॉर्म में समझना है, इसको एज एक एक लाइन इट कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स ऐसे नहीं याद करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट रिटेनिंग द लॉ ऑफ क्रिमिनल डेफिमेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्रिमिनल डेफिमेशन का जो ऑफेंस है ना, ये नहीं रिटेन करना चाहिए, ये अगेंस्ट है रिटेन करने के, न्यू क्रिमिनल लॉ में नहीं ऐड करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस पॉइंट के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से, इट वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे वायलेट करता है। हमारे पास तो अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपनी सोच, अपने विचार एक्सप्रेस करने का फंडामेंटल राइट है, तो हम क्यों उसे जो है उसका खंडन करें? देखिए, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि क्रिमिनल डेफिमेशन जो है वायलेट करता है पीपल्स फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि लोग डरेंगे कि हमारे अगेंस्ट, वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, अपने जो व्यूज है उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर उन्होंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए, है ना। तो ये देखिए वैसे ही फॉर एंड अगेंस्ट जैसे हम पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है। टू साइलेंट डिसेंट, जो पावरफुल एंटिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो किसी के द्वारा कही गई बात को एज ए वेपन यूज कर सकती है। तो बस वही सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बट एक बार आपने सुन लिया ना, एक बार आपने मुझसे सुन लिया, अब अगर आप जाके बुक पढ़ेंगे, है ना, तो आप 10 मिनट भी नहीं लगाएंगे इसे कवर करने में। इसलिए एक बार एक टॉपिक सुनें एंड देन जाके अपनी जो बुकलेट है करंट अफेयर्स की उसमें से पढ़ लें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सबको बताना चाहूँगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मतलब जनरल साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।